हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खुला खजाना आपके लिए में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाती हूँ कोरोना से पहले जहाँ पे मैं जॉगिंग आया करती थी, और आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। कई महीने हो गए मुझे, आज मैं घर से बाहर निकली हूँ। आज मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे आती थी। देखिए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है, लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा कोरोना जैसा है। यहाँ पे दो गाय के बच्चे हैं, शायद खाना खा रहे हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा सामने से काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा जैसे कोई कोरोना जैसी बीमारी है। मुझे इन लोगों से दूरी बना के रखनी होगी। ये देखिए, कुछ लोग तो अपने डॉगी को भी लेके आए हुए टहलाने के लिए। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, तो दिख रहा है काफ़ी जंगल सा खड़े हो गए हैं आज। पता नहीं किस चीज़ के पेड़ है ये। अभी भी काफ़ी लोग आते जाते हैं इधर। देखिए, जब मैं आती थी यहाँ पे आसपास पूरा खुला था। शायद बारिश की वजह से यहाँ पे झाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। इसमें से कुछ पेड़ हैं जो मैं पहचानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये है पीपल का पेड़, इधर साइड में भिंडी के पेड़ खड़े हुए हैं, उसमें शायद कुछ लोग भिंडी तोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा पास से नहीं जा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी नीचे है वो, दूर से दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, वो लोग काफ़ी समझदार हैं, आपस में दूरी बना रखी है उन लोगों ने। तीन लोग काम कर रहे हैं। भिंडियाँ हमेशा ग्लव्स पहन के तोड़नी होती है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, वो हमें लग जाते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको, मंदिर बोल रही थी, यहाँ पे पुजारी जी रहते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं पूजा वूजा करने के लिए। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे छठ पूजा जो होती है बिहार के लोग करते हैं, वहाँ पे कैसे ही बना रखा है छठ पूजा करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे कबूतर, इनके लिए चारा डाला हुआ है, सारे दाना खा के अभी मेरे को देख के उड़ गए हैं। इनके लिए पानी भी रखा हुआ है। ये देखिए, जामुन का पेड़ है, इसमें अभी जामुन लगेंगे, फूल आ चुके हैं जामुन में। यहाँ पे जो जॉगिंग करके थक जाते हैं उनके लिए चेयर लगा रखी है, जैसे बुजुर्ग हुए या बच्चे हुए आराम कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि जहाँ पे छठी मैया की पूजा वूजा करते हैं लोग, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, सीढ़ियाँ बना रखी हैं। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, कृष्ण जी की मूर्ति अंदर रखी हुई है। देखिए, इसको बंद कर रखा है। अब मैं नीचे जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ जहाँ पे लेडीज लोग नहाते हैं। अभी यहाँ पे पानी थोड़ा कम है, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर जैसे बना रखे हैं। अभी सभी लोग यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए भी आ जाते हैं क्योंकि पानी यहाँ का सूखा हुआ है अभी। ये देखिए, इसी जगह पे आते हैं लोग नहाने के लिए। साथ में आप ये भी देखिए कि जो लोग पूजा वगैरह करते हैं, मूर्तियाँ कहीं भी फेंक देते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप अपने मंदिर में जो मूर्ति को रखते हैं उसको ऐसे कहीं भी ना फेंकें,
अगर आपको लगता है कि वो आपके काम की नहीं है, आप मंदिर में नहीं रख सकते, उनको कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उसी को यहीं वहीं फेंक देना भी अच्छी बात नहीं है। देखिए अभी पानी बहुत कम है, इस पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं, क्योंकि ताकि आराम से इसमें सब लोग बैठ के नहा सकें। ये देखिए ये काफ़ी नीचे है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से ये कैसा दिखता है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, मैं नीचे आई हूँ, ऊपर का दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आ भी गए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चे के साथ, लड़की के साथ आई हुई है पूजा करने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वो पूजा कर रही है, साथ में अपना डॉग भी लाई है। वो देखिए कैसे डॉगी नहा रहा है पानी में। अंदर से शायद ज़्यादा गहरा नहीं है क्योंकि डॉगी आराम से चल पा रहा है। यहाँ साइड में आसपास खेत भी हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है शायद इसी वजह से डॉगी पानी में चला गया ताकि उसको आराम मिल सके। कितने अच्छे से नहा रहे हैं। घर में तो बहुत देखा होगा अपने डॉगी को नहाते हुए। अब हम वापस चलते हैं क्योंकि इस टाइम मैं ज़्यादा बाहर रहना नहीं चाहती हूँ। वो लेडीज़ अभी तक पूजा ही कर रही है, शायद वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो इसलिए यहाँ पे आकर पूजा कर रही है क्योंकि इस टाइम मंदिर वगैरह में भी जाना मना है। ये देखिए कितना नीचे है, ये यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जैसे कि मैंने बोला था कि हाँ भाई मेरी वीडियो में ऐसा होगा, मैं एक दूसरे से सवाल जवाब करूँगी, पर अभी ऐसा टाइम नहीं है मैं किसी से कुछ पूछूं, क्योंकि कोई भी बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी फैमिली से स्टार्ट करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप एक बार ज़रूर देखें, जो भी सवाल जवाब करने होंगे मैं अपनी फैमिली से ही करूंगी। ये देखिए पक्षी ने पेड़ पे घोंसला बना रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, इधर का रास्ता दिखाती हूँ आपको। देखिए सामने से एक गाय आ रही है, जब मैं उधर से आती हूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता मेरा इस कॉलोनी में घुसने, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडा लग रहा था। इधर नीचे उतरते ही मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। बाइक वाइक रिपेयरिंग होती है उसकी दुकान है। ये देखिए कूड़े वाला जा रहा है कूड़ा लेकर, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। खासकर ऐसी जगह पर तो बिल्कुल ही फेंकना चाहिए जहाँ पे जानवर आते हों। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी गाय टहल रही है। जो लोग जॉगिंग करके आते हैं वो लोग यहाँ पे एलोवेरा और नीम का जो भी जूस पीना होता है यहाँ पे मिलता है। ये देखिए रेडी लगा रखी है इसने, ऐसी टेबल रख के बैठे हुए, पर उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है, इसने अपनी टी शर्ट इसलिए ऊपर कर ली थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।